गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का केमिस्ट्री का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके अंदर हम कुछ लॉज पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अभी जो हम आज हमने जो लॉ पढ़ना है वो है गे लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो आइए इस लॉ के बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। When gases react together or produce in a chemical reaction, they do so in volume which bear a simple ratio to one another and to the volume of the product, provided all gases are at the same temperature and pressure. तो ये इसकी लैंग्वेज है, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए इसको क्या है। वो ये कह रहा है कि जब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जब दो गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो हमेशा सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती हैं। पहली बात तो ये कही है कि हमेशा क्या करेगी, सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद में दूसरी बात ये कही है कि अगर जो उसने प्रोडक्ट बना है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बना है, अगर वो प्रोडक्ट भी गैस है तो फिर जो प्रोडक्ट होगा उसका वॉल्यूम भी जो रिएक्टेंट गैसेस हैं उनके साथ सिंपल रेशियो में होगा। इस चार लाइनों का मतलब ये, दोबारा सुनिए। सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो में होते हैं, और अगर उन दो गैसेस से बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है तो उस प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी उन गैसेस के साथ सिंपल रेशियो में होगा। ये इस लॉ का मतलब है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, क्योंकि इसका मतलब एग्जाम्पल से इसको प्रूव करते हैं कि इस लॉ का मतलब क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा H2+Cl2 2HCl, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि H2 गैस है, Cl2 भी गैस है और HCl भी गैस है। अब अगर इसमें रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये मान लो यहां से पता लगेगा, है ना, यहां वॉल्यूम से पता लगेगा कि उसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका वन वॉल्यूम है, इसका कितना है, वन वॉल्यूम, और HCl का कितना वॉल्यूम बन रहा है, टू वॉल्यूम बन रहा है, क्लियर। अब अगर रेशियो की बात करें तो H2 और क्लोरीन का रेशियो जो है वो सिंपल रेशियो है, देखिए आप सिंपल रेशियो है, और अगर HCl की बात करें तो वो क्योंकि टू वॉल्यूम है तो बेसिकली अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये 1:1:2, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे। सिंपल रेशियो का मतलब ये है कि यहाँ पे 1.5, 2.5 या 1. कुछ ऐसा नहीं होगा, होल नंबर आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो में इस प्रकार से होती है। आपकी बुक में और बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो हम कुछ और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे जैसे हम बात करें इस रिएक्शन की, N2+3H2 2NH3। तो देखिए वन वॉल्यूम, थ्री वॉल्यूम, टू वॉल्यूम, ठीक है। अब तो सीधा ही कर सकते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:2। इसको हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही अगर गैस हैं तो फिर वो क्या होंगे, सिंपल रेशियो के अंदर होंगे। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देखिए, 2H2+O2 2H2O, ठीक है। देखो टू वॉल्यूम, वन वॉल्यूम और टू वॉल्यूम, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर मैं रेशियो देखूं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1:2, तो ये सिंपल रेशियो में आएगा।
तो जितना सिंपल ये एग्जांपल थे उतना ही सिंपल ये लॉ है। इस लॉ में हमने ये सीख लिया कि दो रिएक्टेंट गैसें सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर अगर आपस में रिएक्ट करती हैं तो जो उनका वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो में होगा, और अगर बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो भी गैस है तो फिर इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी इनके साथ सिंपल रेशियो में होगा। ये गे-लुसैक का जो लॉ था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और इस तरीके से इसको याद कर लेना है। तो लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनिंग के जो हम सीरीज पढ़ रहे थे वो सीरीज यहाँ खत्म होती है, यहाँ लगभग आपने सारे लॉज जो है वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हम एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे। तो एटॉमिक थ्योरी जो है अगर हम बात करें कि वो शुरू कहाँ से हुई थी, तो एटम जो वर्ड है एटम वो एक्चुअल में इससे बना है, टर्म से, ठीक है। टर्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो या टर्म का मतलब किसी जो चीज के ना लेकर, इसका मतलब ये है किसी चीज को काटना, ठीक है, काटना। तो टर्म का मतलब होता है काटना, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिया जा सकता है कि टर्म का मतलब होता है डिवाइडेबल, और जब टर्म के साथ ए लग जाता है तो ये बनता है एटम, ठीक है। तो एटम का मतलब होता है अनडिवाइडेबल, जो जिसको डिवाइड ना किया जा सके, या अनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो एटम जो वर्ड था वो वास्तव में उन बिल्कुल ही माइक्रो पार्टिकल के लिए यूज किया जाता है जो कि आगे अनडिवाइडेबल होते हैं, मतलब किया जाता था जब इसकी डिस्कवरी हुई थी। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर गुप्त काल के अंदर एक ऋषि हुए हैं महर्षि कणाद, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। तो महर्षि कणाद जो थे उन्होंने इस एटम को संस्कृत में परमाणु कहा था, ठीक है, और इसी परमाणु को फिर आज से लगभग 200 साल पहले डाल्टन ने एटम कहा, ठीक है। परमाणु का मतलब ये है कि एस जो ये मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम का मतलब भी यही है, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये वर्ड जो है कहां से जनरेट हुआ ये मैंने आपको बताया। फिर बात करते हैं कि ये थ्योरी आगे जो है वो कहां तक जाती है। तो डाल्टन ने जो एटम के बारे में बताया था, एटम के बारे में जो बताया था, ये एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन अनडिवाइडेबल होना चाहिए, लेकिन आगे की जो डिस्कवरी है उसमें जो एटम जो है उसको तीन फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर डिवाइड कर दिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में डिवाइड हो गया था। तो इसलिए ये थ्योरी जो है जस्ट हिस्टोरिकल जो है इंपॉर्टेंस रखती है। आज के टाइम में जो थ्योरी चल रही है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। तो हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी क्या दी थी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो फटाफट हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी क्या कहती है, मैं वैसे आपको बताता हूं। सबसे पहले उसने ये कहा कि एटम जो है वो एक बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, माइक्रो पार्टिकल होता है, जिसको कि और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और उसने पहले पॉइंट में ये कहा था कि मैटर जो है, मैटर वो किससे बनता है, एटम से मिलकर बना हुआ है, उसने ये बात कही थी। दूसरी बात कही थी कि सेम एटम जो है या सेम एलिमेंट जो है उनके जो एटम है वो भी क्या होते हैं,
सेम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, ऑक्सीजन जो है उसके सारे एटम सेम होंगे। लेकिन इसके अंदर आगे की डिस्कवरी जो है, हम इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। फिर उसने बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके जो एटम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके एटम सेम नहीं होते, ठीक है, उनके एटम आपस में सेम नहीं होते। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है डिफरेंट है, तो नाइट्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम आपस में सेम नहीं होगा, तो उसने ये बात कही थी। फिर उसने ये कहा कि जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, ठीक है। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो क्या होगी, एटम होगी। और लास्ट बात उसने कहा था कि एटम जो है ना तो उसको बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये उसने एटम के बारे में जनरल बातें कही थी, लेकिन ये सारी की सारी हिस्टोरिकल फीचर की बातें हैं। एटम के बारे में जो एक्यूरेट जानकारी है वो आगे की थ्योरीज में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, नील्स बोहर को पढ़ेंगे, रदरफोर्ड को पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एटम के बारे में कुछ नई चीजें और सीखेंगे।